सब्सक्राइब करें स्मार्ट पे ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने राशन कार्ड को कैसे चेक कर पाएंगे और अगर आपका लिस्ट में नाम अगर है तो उसको कैसे आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने दुकानदार के पास जा सकते हैं उसको लेके और दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको राशन मिल सके, आपकी जो भी चीज़ें मिलती हैं आपको वो प्रोवाइड की जा सकें। ये बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो ऑनलाइन जो है कि नहीं चेक नहीं करा पा रहे हैं। उनका जो नाम लिस्ट में ऑनलाइन है तो उस लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपने कोटेदार के पास जाइए, जिससे कि वो आपको राशन दे पाए। तो बस हम जानेंगे कि आप अपने राशन कार्ड में आप नाम कैसे देख सकते हैं, आपका राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं और जो उसमें अब कोई भी करेक्शन है उसको आप कैसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते और आप जो वीडियो हैं वो मिस न कर पाएँ हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे फर्स्ट में आपको करना होता है ब्राउज़र ओपन और इसके बाद आप कर सकते हैं कोई भी सर्च इंजन। फिलहाल मैं चलता हूँ गूगल की तरफ और यहाँ पे सर्च करते हैं UPFC। तो इसमें जो ये प्रोसेस बताया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, बाकी जो स्टेट हैं उनके लिए अलग हो सकता है। तो आप अगर अलग स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। फिलहाल चलते हैं, साइट ओपन हो चुकी है, ये देख सकते हैं fcs.up.nic.in, ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट है उत्तर प्रदेश की और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आपको मिलता है ऑनलाइन शिकायत प्रेषित कर, इसमें अगर आपकी कोई कंप्लेंट तो आप उसे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल रहा है, सबसे जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है मोबाइल पंजीकरण। मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे जो है कि अपने मोबाइल के साथ इसको रजिस्टर कर लें, जिससे कि आपको जो अपडेट होते हैं वो मिलते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है राशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये जो एडमिन लॉगिन है और यहाँ पर दो ऑप्शन अभी मिल जाते हैं, NFSA की पात्रता सूची और NFS की पात्रता सूची। तो दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे आपको, इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको सर्च करना होता है, आपको डिटेल्स डालने होते हैं, आपके जो ज़िला है वो और जो आपके गांव है या फिर शहर। दूसरा ऑप्शन जो मिलता है आपको इसमें, अगर आपके नाम है और आपके पास अगर राशन कार्ड नंबर है या फिर आपके पास मोबाइल नंबर और भी सारे डेटा हैं तो उससे भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम यूज़ करते हैं इसको और देखते हैं कि किस तरीके से इसको सर्च किया जा रहा है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप यहाँ पर भी खुल चुका है NFSA की पात्रता सूची। अभी ये देख सकते हैं कि 7/8/49 पे अभी अपडेट किए गए हैं और जो हमारा जो ये वीडियो बना हुआ है 8/37 पे बन रहा है वीडियो। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बार बार भी चेक कर सकते हैं, कुछ अपडेट के बाद चेक कर सकते हैं इसको, 2-3 दिन या फिर सप्ताह में। इससे क्या होगा कि अभी बहुत सारे लोगों के नाम जो है कि नहीं ऐड किए जा रहे हैं और हटाए भी जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ अपडेट चल रही है अभी भी। तो सबसे फर्स्ट में हम अभी ले लेते हैं जी, इसमें डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद में देख लेते हैं। इसमें आपके दो प्रकार मिलते हैं कार्ड के, ये है पात्र गृहस्थी अंत्योदय का, तो ये जो लास्ट अपडेट देख रहे हैं ये 4/9 का है और ज़िला है अभी हमारा इलाहाबाद। यहाँ पे देख सकते हैं दो कैटेगरी यहाँ पे आ रही है, जो फर्स्ट है वो है नगरीय यानी कि सिटी और दूसरा है ग्रामीण यानी कि विलेज। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इलाहाबाद, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम सर्च करने के लिए बता देते हैं आपको झूसी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया टाउन एरिया में, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरीके से कि आप सर्च कर पाएँ। इसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जाते हैं अपने टाउन में या फिर ग्रामीण में, तो आपको मिलता है आपकी दुकानदार का नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट और ये है टाउन झूसी, इसमें भी मिल जाते हैं, ये है दुकानदार का नाम बीना अग्रवाल और सुरेश चंद्र, बहुत सारे ही नाम हैं। तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि आपका जो राशन कार्ड है वो कहाँ पर है और किस दुकानदार के पास है, आप उसी के बेस पे आप सर्च कर पाएंगे। तो मैंने ये अभी उदाहरण के लिए ले लिया, 194 है राशन कार्ड यहाँ पे पात्र गृहस्थी में। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि
जहाँ पे हैं 194 लोग जिन्हें मिलती है राशन। हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अगर आपको नील ही नहीं मिल रहा है, अगर आपका नाम इसमें है सर्च कर रहे हैं, तो आपको अपने जो है कि नाम यहाँ पे देख सकते हैं, धारक का नाम है ये देख सकते हैं, जो राशन कार्ड है आपका डिजिटल्स, इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटस है, बाकी स्टेटस साथ में जो आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं उन सभी की विवरण के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो राशन कार्ड है ये नंबर हो गया, कार्ड का प्रकार है आप देख ही सकते हैं, पात्र गृहस्थी, दुकानदार का नाम, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सदस्यों की कुल संख्या 6 है और सदस्यों का जो विवरण होता है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो इसके साथ आप कर सकते हैं इसको कंट्रोल पी के साथ प्रिंट, और इसे ले जा सकते हैं अपने दुकानदार के पास, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास जो राशन कार्ड है वो ऑनलाइन शो कर रहे हैं, आप मुझे प्रोवाइड करें। तो आपको जो राशन में जो भी चीज़ें मिलती हो आप उसे ले सकते हैं। तो ये कुछ नए अपडेट हैं कि अगर हमेशा हमेशा जो कि अपडेट किए जा रहे हैं अभी, तो मुख्य पृष्ठ पे हम आते हैं, यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पे आ गए अभी हम। यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड की जो अपडेशन है वो प्रक्रियाधीन है, यहाँ पे शो कर रहा है आपको। तो आपको ज़रूरत होगी डेली चेक करने की, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका जो राशन कार्ड है वो इसमें शामिल नहीं है, तो आप कर सकते हैं अपने नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ से अप्लाई। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं इस सिस्टम पे कॉल, जो कि IVR है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि आपको मोबाइल नंबर जो पंजीकरण है वो बिल्कुल करना ही चाहिए, जिससे कि आपका अगर जो राशन से हैं अगर आपके दुकानदार के पास आ गए तो आपको उसकी अपडेट मिल पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मोबाइल पंजीकरण के लिए, यहाँ पे आपको क्लिक करके आप जो है कि नहीं देख सकते हैं POS के माध्यम से खाद्य वितरण का विवरण भी आप जान सकते हैं, और भी बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे गतिविधि जो चार्ट है यहाँ पे अपडेट हो रही है इसको आप देख सकते हैं किस तरीके का है, और बहुत सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप दूसरों लोग को बता पाएँ और वो भी समझ पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं जो इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।